अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स बी कोर्स का लेक्चर नंबर 43 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके टोटल 7 पार्ट हैं, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 42 में सीखे और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 एंड 6 हम देखेंगे। बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्चुअल प्रूफ्स हैं। शो दैट मॉडुलस ऑफ ई रे जी इज इक्वल टू ई रेज एक्स। ठीक है, ई रेज जी का जो मॉडुलस है वो बराबर है ई रेज एक्स के। ये चीज हमने प्रूव करनी है। वेयर जी किसके बराबर है, यहाँ पे जो जी है वो बराबर है एक्स प्लस एओटा वाई के। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। उससे पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम यहाँ पे जी जो हमारे पास गिवन है, हम सबसे पहले जी लिख लेते हैं। जी बराबर है एक्स प्लस एओटा वाई। इसको लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। अब देयर फोर हम क्या करेंगे, ई रेज जी बराबर है, अब राइट हैंड साइड पे ई रेज, यहाँ पे जी की वैल्यू हम पुट करें एक्स प्लस एओटा वाई के। देन हमेशा की तरह जो पिछले क्वेश्चंस में हमारे स्टेप्स थे अभी तक तो सेम वैसे ही है, हम क्या करेंगे इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। ई रेज एक्स सेपरेट कर लिया इनटू ई रेज एओटा वाई सेपरेट कर लिया, देन ई रेज एक्स एज इट इज और ई रेज एओटा वाई को बाय आइलर थ्योरम हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोज वाई प्लस एओटा साइन वाई। ठीक है, By using Euler theorem, या आप यहाँ पे mention भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब next step, this implies both side हम क्या करेंगे modulus ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव करना है। देखिए हमारी जो प्रूव है हमारा वहां पे e रे z का modulus लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे both side क्या करेंगे modulus ले लेंगे। modulus of e रे z is equal to modulus of e रे x into cos of y प्लस एओटा साइन वाई। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ई रेज एक्स को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ई रेज एक्स कोज वाई प्लस ई रेज एक्स, यहाँ पे एओटा ई रेज एक्स साइन वाई और ये मॉडुलस एज इट इज। अब यहां से हमने सिंप्लीफाई क्या करना है, मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसा कि हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में सीखा भी मॉडुलस का, और अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा कि मॉडुलस को किस तरह से खत्म करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल क्या आ जाता है, स्केयर रूट आ जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मॉडुलस का, ई रेज एक्स कोज ऑफ वाई इसका स्केयर प्लस ई रेज एक्स साइन वाई इसका स्केयर और होल क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मजीद पावर को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ई रेज एक्स मॉडुलस ऑफ ई रेज एक्स एज इट इज मॉडुलस ऑफ ई रेज जी एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ई रेज टू एक्स हो गया और कोज स्केयर वाई हो गया। ठीक है, हमारे पास रियल पार्ट का जो होल स्केयर था, ठीक है, उसमें हमने ई रेज एक्स का स्केयर लिया तो ई रेज टू एक्स हो गया और कोज स्केयर वाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ई रेज टू एक्स इंटू साइन स्केयर वाई और होल स्केयर रूट। अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स में हमारे पास ई रेस टू एक्स कॉमन है, तो ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, कोस स्केयर वाई प्लस साइन स्केयर वाई होल स्केयर रूट। अब हमें पता है ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वन के इक्वल होती है, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, वन लिख देते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा ई रेस टू एक्स स्केयर रूट में। ठीक है, और ये टू स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा ई रेज एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ई रेज जी। मॉडुलस ऑफ ई रेज जी किसके बराबर आया,
ई रेज एक्स के। तो यही हमने बात प्रूव करनी थी कि मॉडुलस ऑफ ई रेज जी बराबर किसके है, ई रेज एक्स के। तो यहाँ हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है 6 है। अब हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ई रेज जी 1 इंटू ई रेज जी 2 एंड सो ऑन ई रेज जी एन। ये चीज हमने प्रूफ करनी है किसके बराबर है, ये ई रेज जी 1 प्लस जी 2 प्लस सो ऑन प्लस जी सबस्क्रिप्ट एन। ये हमने प्रूफ करना है, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे z को लेट कर लेते हैं। z हमारे पास क्या है, लेट करते हैं z1 जो है x1 प्लस एओटा y1 के इक्वल होगा, ठीक है। बेसिकली z जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस एओटा y होता है। अब यहाँ पे z1 है तो हमारे पास इन रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी यहाँ पे क्या आएगा, सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा। और z2 देखते हैं, z2 हमारे पास बराबर है x2 प्लस एओटा y2 एंड सो ऑन zn किसके बराबर होगा, z सबस्क्रिप्ट n बराबर होगा हमारे पास xn प्लस एओटा yn, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमारे पास z आ गया ना, अब फिर हमने क्या करना है, e रेज z1 लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको, e रेज z1 बराबर है, राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करते जाते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट था कि e रेज z हमने लिया और राइट हैंड साइड पे e रेज z की वैल्यू पुट कर दी, तो e रेज x1 प्लस एओटा y1, ठीक हो गया। इसी तरह से e रेज z2 हमारे पास आएगा e रेज x2 प्लस एओटा y2 एंड सो ऑन e रेज zn बराबर है e रेज xn प्लस एओटा yn। अगर स्टूडेंट्स हम इन दोनों को वर्टिकली हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एक दिस वन, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को और इन सारी को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट ई रेज जी वन इंटू ई रेज जी टू एंड सो ऑन ई रेज जी एन। हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसको हमने इस तरह से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ई रेज जी वन इंटू ई रेज जी टू एंड सो ऑन उसी तरह से ई रेज जी एन। और राइट हैंड साइड पे भी जो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, ई रेज एक्स वन प्लस एओटा वाई वन इंटू ई रेज एक्स टू प्लस एओटा वाई टू इंटू सो ऑन e रेज एक्स एन प्लस एओटा वाई एन। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने देते हैं और राइट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं, ये देखिए सबकी बेसिस क्या है, सेम है, अब हम इनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो e रेज e की पावर में हम क्या लिख रहे हैं, एक्स वन प्लस एओटा वाई वन, इसमें हमने ऐड कर दिया x2 प्लस एओटा y2 को, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस xn प्लस एओटा yn। सिंपली हमने क्या किया, बेसिस सेम थी, उनकी पावर्स हमने ऐड कर दी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा कि e रेज ये सारी किसके बराबर है, x1 प्लस एओटा y1, ये स्टार्ट में हमने लेट किया था, ये z1 के बराबर है, तो इसकी जगह पे फिर हम z1 लिख सकते हैं, प्लस ये सारी z2 के बराबर है तो इसकी जगह z2 लिख सकते हैं, एंड इसी तरह से सो ऑन लास्ट वाली जो टर्म है
वो जी एन के बराबर है तो उसकी जगह हमने जी एन लिख दिया। तो अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखते हैं ई रेज जी वन इंटू ई रेज जी टू एंड सो ऑन ई रेज जी एन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो था और राइट हैंड साइड, ये चीज हमने प्रूफ करनी थी जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गई है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो देखें ये फाइनल हमारा प्रूफ है। इंशाल्लाह आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो हैं बाकी पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 3 और 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हम सीखेंगे। उसको आपने अच्छे से समझना है और नोट डाउन भी कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।